पंजाब के मोगा में गांव कोकरी कला में किसान यूनियन उग्राहा की ओर से 9 तारीख को नाड़ को आग लगाने का अल्टीमेटम दिया गया था, मगर आज जब किसानों ने नाड़ को आग लगाई तो प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। किसान नेताओं का कहना है कि पोल्यूशन बोर्ड का कानून सबके लिए एक है, जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन वाला धुआं दूषित पानी निकालती हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मगर किसान 10 दिन ही नाड़ को आग लगाते हैं और उनका इतना पोल्यूशन भी नहीं होता, फिर भी किसानों पर कार्रवाई की जाती है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो हम इसका डटकर विरोध करेंगे। तरीक नी अल्टीमेट दिता, उन्होंने कहा 8 तरीक ताई थानू असी दे देंगे यदा फैसला। कोई 8 तरीक के 5 बजे दिन सू कोई उन्हें किसी अधिकारी ने साडे ना भरोसा नहीं दवाया सानू भी थोड़ा काम करा। असं अज असी 9 तरीक न खीरी डीक के अग लाई है। कारण है जी, जमीन झोना हों नहीं गा ये, जे अग ना लाइए खर्चा बहुत ज्यादा होंगे जमीन तैयार करने। जे जानू सबसिडी दे सरकार, कोई तेल दे ਜੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਅਗਲਾਈ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ यही आदेश दे रही है किसानों को, किसान नाड़ को आग ना लगाएं क्योंकि नाड़ से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। हम किसानों के तरफ से, किसानों की अगुवाई की तरफ से ये सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार जेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी बनाया हुआ है, उस कंट्रोल बोर्ड से जो भी कानून है, जो रेगुलेशन है, वो सभी पर एक जैसे ही लागू होने चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में लगातार प्रदूषण किया जाता है, वो हवाओं को भी दूषित कर रहे हैं पंजाब की और पानी को भी दूषित कर रहे हैं, लेकिन क्यों हर बार किसान को ही जिम्मेवार बनाया जाता है। हालांकि ये आग है सिर्फ 10 दिन या 15 दिन के लिए लगाई जाती है, यह धुआं भी इतना हानिकारक नहीं है जितना कोयले की आग से, आग के धुएं के जैसा जितना हानिकारक नहीं है। ये पूरा जड़ा प्रदूषण का जितना भी है, जो सारा कारण है प्रदूषण का, वो सिर्फ किसान नहीं है, उसके अलग अलग कारण हैं। जिम्मेवार किसान को बनाया जाता है, इसके लिए किसान की जड़ी नाड़ को साड़ने वाली है उसका हम डट के विरोध करते हैं। जत्थेबंदी जिस भी किसान पर कोई पर्चा होता है, किसान की पूरी हमायत करेगी, वो पर्चे रद्द करवाने के लिए हर हरबा बरतेगी, धरने मुजाहरे भी होंगे, रोस मार्च भी होंगे। ऐसे लक्ष्मण जी सिंह पुरवा, आज तक टीवी।